हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स नॉर्मल सब ग्रुप जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसकी थ्योरम्स हम कर रहे थे। थ्योरम नंबर 10 है जो ये अलवर 18 में आया हुआ है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो देखिए हम सिद्ध करते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब सिद्ध करो कि किसी समूह जी से समूह जी डैश पर परिभाषित किसी समाकारिता एफ की अष्टि जी का एक नॉर्मल सबग्रुप है। ठीक है, यानी कि जी से जी डैश पर जो आप अष्टि निकालते हो यानी कि कर्नल निकालते हो, वो कर्नल आपके पास क्या है, जी का एक नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है वो किस प्रकार से बनती है। पहले तो आपको अष्टी के बारे में पता होना चाहिए कि अष्टी है क्या। ठीक है, अगर अष्टी के बारे में आपको पता है कि ये टर्म आपके पास, तो अष्टी जो होती है हमारे पास, वो अष्टी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। अष्टी में आपको बताया था कि मान लेते हैं जैसे हमारे पास समुच्चय है एक्स के है और एक तो हमारे पास है जी, ठीक है समुच्चय, और एक है जी डैश, डी से डी डैश पर कोई भी समाकारिता एफ परिभाषित है। तो एक हमने एलिमेंट लिया एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है, तो इसके पास सारे एलिमेंट एक्स जो है वो जी से बिलोंग करते हैं वो सब आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट जो एफ ऑफ एक्स में रखने पर क्या दे हमें, ई डैश दे। ठीक है, और ई डैश बिलोंग्स टू किससे होगा, जी डैश से, राइट, क्योंकि ई डैश क्या है, जी डैश की तस्मक अवयव। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है वो इसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि हमको ये अष्टी निकालनी है और ये अष्टी जो है नॉर्मल सबग्रुप होनी चाहिए जी की। ठीक है, ये अष्टी कहां से आएगी, मतलब कि एलिमेंट एक्स कहां से आ रहे हैं, जी में से आ रहे हैं। ठीक है, के पास वो सारे एलिमेंट होंगे जो समाकारिता में रखने पर ई डैश दे, यानी कि तस्मक अवयव दे। मान लेते हैं जी के पास तो है डॉट और जी डैश है प्लस, तो आप जी से एलिमेंट जब रखोगे तो प्लस के लिए क्या आता है, जीरो आता है। तो सारे वैल्यूज जो है ऐसे ऐसे एलिमेंट जो समाकारिता में रखने पर क्या दे हमको, जीरो दे दे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो सारे एलिमेंट का जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, अष्टी कहलाएगा, किसकी, जी की अष्टी कहलाएगा। ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं कि माना कि ये हम चीज लिख ही चुके हैं के समाकारिता एफ की अष्टी है। ठीक है, तो अष्टी की परिभाषा से k बराबर x belongs to g, f of x बराबर e dash। ठीक है, इसी हम उपमेय लिख लेते हैं, और e dash क्या है, g dash की, g dash का तस्मक अवयव है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि f ऑफ e, मतलब अगर मैं e भी रखूंगा इसके अंदर, क्योंकि g का जो तस्मक अवयव है वो क्या आएगा, e आएगा। मैं जब g डैश के पास, g डैश के पास तस्मक अवयव क्या है, e डैश है, तो g के पास क्या कौन सा है, e है। अगर मैं यहाँ e भी रखूंगा तो भी वो क्या देगा, e डैश देगा। तो f ऑफ e बराबर क्या है, e डैश। इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो है ही इसके पास, तो k जो है वो खाली तो आएगा नहीं। ठीक है, के पास कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, कौन, ई। ठीक है, वो खाली तो होगा ही नहीं। तो अब मान लेते हैं कि ए और बी, माना ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या है, के। ठीक है, तो एफ ऑफ ए रखोगे तो भी क्या आएगा, ई डैश आएगा, और एफ ऑफ बी वो भी क्या आएगा, ई डैश आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बी
इनवर्स बराबर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, क्लियर। एफ ऑफ ए बराबर ई डैश, क्योंकि आप हम कह रहे हैं कि कुछ भी रखोगे तो ई डैश बराबर आना चाहिए, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, एचटी की बात कर रहे हो। तो अब ई की जगह पर भाई ई एक एलिमेंट तो उसका है ही है, ई वो खाली तो रहेगा नहीं। और अब हम मान लेते हैं कि दो एलिमेंट इसके पास हैं ए और बी, ब्लॉक्स के आ रहे हैं, तो ए रखोगे तो भी ई डैश आएगा, बी रखोगे तो भी ई डैश आएगा, ठीक है। ई डैश अलावा कुछ आ सकता ही नहीं है। ए बी इनवर्स एफ ऑफ ए बी इनवर्स एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स ले सकते हैं, हम पढ़ चुके थे समाकायता से, ठीक है, यहां पर समाकायता डाल दिए इसमें, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का इनवर्स, राइट। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ई डैश, और एफ ऑफ बी का इनवर्स यानी कि ई डैश का भी इनवर्स, ठीक है। तो ई डैश और ई डैश का इनवर्स भी क्या होगा, ई डैश ही होगा, दोनों ई डैश जब मिलेंगे तो ई डैश ही बनाएंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का इनवर्स यानी कि एफ ऑफ बी का होल इनवर्स, क्लियर। तो एफ ऑफ ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, ई डैश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है, के, है ना, क्योंकि ई डैश कहां से आ रहा है, के में से आएगा। भाई आप ये देखो, मुझे बताओ कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था नॉर्मल सब ग्रुप। तो पहले हम ये तो बनाएंगे कि ये इसका सब ग्रुप है या नहीं, नॉर्मल तो बाद में बनेगा। तो ए बी इनवर्स अगर ए बिलोंग्स टू के है, बी बिलोंग्स टू के है, और ए बी इनवर्स बी बिलोंग्स टू के हो जाए, तो आपको पता है कि के जो है वो क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप बन जाएगा। ये तो डेफिनेशन पढ़ते थे हम सब ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि ए बी इनवर्स, ठीक है, ए बी इनवर्स बराबर ई डैश, एफ ऑफ ए बी इनवर्स बराबर ई डैश। तो ए बी इनवर्स जो है वो कहां से बिलोंग करेगा बताओ, के में से होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एफ को उधर लेके जाओगे तो ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ ई डैश, ठीक है। और एफ इनवर्स ऑफ ई डैश क्या है, ई, तो ए बी इनवर्स बराबर ई, और ई कहां से आ रहा है, के में से आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के जी का एक सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या प्रूफ किया, एक सब ग्रुप, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू के, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है, तो ये सबसे सिंपल रूल है किसी भी ग्रुप को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब लेके चलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल प्रूफ करना है हमारे। तो माना जी, जी का कोई स्वेच अवयव है, स्वेच अवयव है, ठीक है, तथा ए बिलोंग्स टू के, इसलिए एफ ऑफ ए बराबर ई डैश, ठीक है। ए बिलोंग्स टू के, इसलिए एफ ऑफ ए बराबर क्या है, ई डैश है। जी को स्वेच अवयव है और हमने माना कि ए बिलोंग्स टू के है, तो इसका मतलब के पास जो भी एलिमेंट आएगा वो तो ई डैश के बराबर आएगा ही आएगा, एफ ऑफ ए रखने पर, तो ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि जी ए जी इनवर्स, जी बिलोंग्स टू जी है और ए बिलोंग्स टू के है, तो जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा, तब के नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, तब के नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का, राइट। अगर जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू के प्रूफ हो जाए, तब के क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा जी का। तो करते हैं प्रूफ, एफ ऑफ जी ए जी इनवर्स बराबर एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ ए जी इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे समाकायता का काम चल रहा है, समाकायता से ही तो प्रूफ करना है हमारे को, तो इसलिए समाकायता का यूज हम करेंगे मेनली,
तो देखिए यहां पर एफ ऑफ जी टर्म है और एफ ऑफ जी ए जी इनवर्स, ठीक है, तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ जी इनवर्स, राइट, एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, देन एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा ई डैश और एफ ऑफ जी इनवर्स, देख सकते ना हम अलग करके, एफ ऑफ ए अलग, एफ ऑफ जी इनवर्स अलग, एफ ऑफ ए तो हमने क्या माना, ई डैश माना है, ठीक है, एफ ऑफ जी ई डैश से मल्टीप्लाई करोगे संख्या कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एफ ऑफ क्या हो जाएगा जी इनवर्स हो जाएगा, और जी इनवर्स का आप कर सकते हो क्या, प्रॉपर कर सकते हो ना पूरा का पूरा इनवर्स, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, तो एक तो इनवर्स और एक सिंपल, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा ई डैश, क्या हो जाएगा ई डैश, क्योंकि जी कहां से आ रहा है जी से, तो यहां तो समाकायता बन रही है ना, समाकायता जब लग जाएगी तो ई डैश ही आएगा, सिंपल टर्म होगी ई आएगा, तो क्या आ जाएगा ई डैश, ई डैश कहां से आ रहा है, ई डैश तो अभी आएगा, देखो जी ए जी इनवर्स, और सेम वही एफ को मैं वहां ले जाऊंगा, तो जी ए जी इनवर्स, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि एफ ऑफ जी ए जी इनवर्स बराबर एफ ऑफ ई, क्योंकि ई डैश जो है वो एफ ऑफ ई के बराबर होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो एफ से एफ कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा जी ए जी इनवर्स बराबर ई, और ई कहाँ से आता है के में से, और ये चीज प्रूव करना था कि अगर जी ए जी इनवर्स के में से आ जाए तो हम कह सकते हैं कि के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, सो दैट सिंपल सी थ्योरम थी हमारे पास, सो दैट जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, सो दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, तो के है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का ऑफ, ठीक है, हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ हो गई, आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको समाकायता का यूज करते हुए किया, समाकायता का यूज देखो हर जगह हुआ है, ठीक है, अष्टी का यूज किया, तो अष्टी जो है इसकी वो भी क्या हो गई, नॉन सबग्रुप हो गई, यानी कि आपने एलिमेंट लिया जी, जी में से एक एलिमेंट लिया के में से ए, और जब आपने जी ए जी इनवर्स जब कराया तो वो भी कहाँ से आया, के में से ही आया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास थ्योरम जो है कंप्लीटली प्रूफ होती है। अब हम नेक्स्ट एक थ्योरम लेके चलते हैं, थ्योरम नंबर 9 है और ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये भी अलवर 17 में आ चुका है, ठीक है, तो देखिए थ्योरम क्या कहती है, कह रही है कि सिद्ध कीजिए कि एक समूह के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहकुलक या तो असंयुक्त होंगे या समान होंगे, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि एक समूह के विशिष्ट उपग्रुप के दो सहकुलक या तो असंयुक्त होंगे या समान होंगे, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हमारे पास इसको प्रूफ करते हैं, पहले हम सहकुलक के बारे में, क्योंकि आपने मैंने कहा था कि पिछली वाली जो टर्म है सारे सारी रिलेट करती है, चैप्टर नंबर ये 4th का है पार्ट, ठीक है, सहकुलक यानी कि कोसेट्स, तो प्रूफ करते हैं, माना कि एन ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक है, तो जी में एन के
प्रत्येक वाम से समुच्चय, ठीक है, वाम यानी कि दक्षिण, उसके दक्षिण के समान होगा, उसके दक्षिण सह समुच्चय के समान होंगे। बात बिल्कुल ठीक है ये। अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी में एन के प्रत्येक लेफ्ट को सेट राइट को सेट के बराबर होंगे, समान है, यानी कि एन एक्स बराबर एक्स एन, यहां पर एक्स बिलोंग्स टू किसके है, जी के, ठीक है। अब हमें कहना है कि विशिष्ट उपग्रुप के दो सैकुलर या तो संयुक्त होंगे या समान होंगे। अब ऐसे युक्त के बारे में हम चेक कर लेते हैं कि ऐसे युक्त कैसे बन जाएंगे। अगर तो हम ये मानते हैं कि माना एन एक्स और एन वाई एन के दो दक्षिण, दक्षिण यानी कि राइट कोसेट है, राइट कोसेट है, ठीक है। और एन एक्स इंटरसेक्शन एन वाई इज नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ में एलिमेंट होंगे, ठीक है। तब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो हमें मिलेगा, एक ऐसा अवयव जेड होगा, ठीक है, कि जेड बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एन एक्स, तथा जेड बिलोंग्स टू क्या हो, एन वाई, क्योंकि दोनों खाली नहीं है तो इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट तो होगा जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो माना कि जेड जो है वो एन वन एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू जी आ रहा है तो उसका कोई मल्टीपल ही तो होगा भाई, एन वन जेड का मान जो है वो एन वन एक्स है, ठीक है, एन वन एक्स मतलब क्यों, क्योंकि एन इंटू एक्स आ रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं एन और एक्स के बराबर है, ठीक है। और तथा जेड बराबर दो मानेंगे एन टू वाई है, ठीक है, जहां एन वन और एन टू भी कहां से आ रहे हैं, जेड में से ही आएंगे, राइट। तब देखिए एन वन एक्स बराबर एन टू वाई, तो एन वन का इनवर्स जो है वो एन वन एक्स, मैं दोनों तरफ एन वन का इनवर्स आ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर प्रॉपरली टर्म चाहिए जो आपके पास एक सब ग्रुप बना सके, ठीक है। तो ये देखिए आप एन वन का इनवर्स इंटू एन वन साथ में एक्स, और यहाँ पे एन वन का इनवर्स इंटू एन टू और ये वाई, ये तो मिलके क्या हो जाएगा ई, ठीक है, ये हो जाएगा एन वन का इनवर्स एन टू और ये वाई, ठीक है, फिर एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास एन वन का इनवर्स एन टू इंटू वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि देखो एन जो है कैपिटल एन वो जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए उसका क्या होगा, सब ग्रुप भी होगा, ठीक है भाई, एन जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसका मतलब क्या है, वो पहले सब ग्रुप बनेगा तो नॉर्मल बनेगा वो, ठीक है, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप भी होगा, ठीक है। एन वन बिलोंग्स टू एन और एन टू बिलोंग्स टू, अगर एन है, एन वन एन से बिलोंग कर रहा है और एन टू भी एन से बिलोंग कर रहा है, एन वन का इनवर्स एन टू बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एन वन एन से बिलोंग कर रहा है, एन टू एन से बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स एन वन इनवर्स इंटू एन टू भी एन से बिलोंग करेगा, तो एन वन इनवर्स इंटू एन टू को मैंने मान लिया एन थ्री के बराबर, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा एन थ्री वाई, ठीक है, पीछे वाले पार्ट से हमने किया था, हमने क्या किया था, एक्स बराबर एन वन इनवर्स इंटू एन टू था ना, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, एन थ्री लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एन एक्स बराबर एन एन थ्री वाई, एन थ्री वाई बराबर यानी कि एन वाई, पूरे को मैंने एन भी मान लिया, ठीक, क्या हो जाएगा एन वाई। इसका मतलब कि एन एक्स इंटरसेक्शन एन वाई करेंगे तो वो खाली नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन वाई बराबर हो गया, एन एक्स बराबर एन वाई जो टर्म बन रही है वो बराबर आ रही है, ठीक है। तो
जहां पर एन एक्स व एन वाई जी के कोई दो राइट कोसेट है, राइट कोसेट है, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि एन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स एन होता है, जब जी में एन विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक है। लेफ्ट को सेट बराबर क्या, राइट को सेट हो रहे हैं, तो या तो अगर वो बराबर होंगे या फिर वो कैसे होंगे, ऐसे भी होंगे, यानी बिल्कुल ही अलग होंगे दूसरे, ठीक है, या तो बिल्कुल बराबर होंगे या फिर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अतः एक ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप के दो कोसेट, ठीक है, यहां पे देखो बराबर आ रहे हैं, ठीक है, या तो नॉट इक्वल टू फाइव कुछ भी इसमें कुछ कॉमन है तो उसमें वो या फिर बराबर होंगे या फिर दोनों अलग अलग होंगे, तो कोसेट्स या तो ऐसे ही होंगे, ऐसे ही तुम्हारे डिसजॉइंट जो कुछ भी कॉमन नहीं है, या समान होंगे, ठीक है। तो प्रूफ हो गया आपके पास ये थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम जो प्रूफ की थी उसके अंदर हमारे पास जो अष्टी थी वो हमने प्रूफ किया, इससे आपको सामने आ गया होगा कि कैसे हमारे पास जो टर्म है वो क्लियर होती है, ठीक है। अष्टी मैं आपको दुआ बताता हूँ कि अष्टी जो होती है ना वो मेनली तभी काम आती है, मतलब कि चाहे ऐसा कोई एलिमेंट मिले ही ना जिस जो मैं एफ में रखूं तो मुझे ई डैश के बराबर आ जाए, ऐसा कोई एलिमेंट हो ही ना तो क्या हो जाएगा, के बराबर फाइव, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो समाकायता में रखने पर क्या आ जाए, ई डैश आ जाए। लेकिन एक एलिमेंट तो होगा इसके पास, कौन सा होगा, ई, ठीक है, तो फाइव हो सकता नहीं कभी, तो क्योंकि आपको बताया था मैंने कि के क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का, जो जी की एसटी होती है के वो उसका सब ग्रुप होता है, तो जी के सब और सब ग्रुप बनाने से पहले वो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, तो ग्रुप के पास एक एलिमेंट तो हमेशा होगा, कौन, चश्मा का उपयोग, ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।